नमस्कार, मैं प्रिया, धराधर 30 खबरों में आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं देश प्रदेश की अब तक की प्रमुख खबरों को। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान दूसरी शादी करने वाले हैं। वो एक निजी समारोह में चंडीगढ़ में 7 जुलाई यानी गुरुवार डॉक्टर गुरप्रीत कौर से विवाह करेंगे। इस कार्यक्रम में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल भी शामिल होंगे। चंडीगढ़ में भगवंत मान की शादी की तैयारी जोरों पर है। इसमें उन्होंने कुछ रिश्तेदारों और करीबी दोस्तों को भी निमंत्रण दिया है। भगवंत मान ने 6 साल पहले अपनी पहली पत्नी से तलाक ले लिया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रविवार के संबोधन के बाद तेलंगाना में हैदराबाद का नाम बदलने को लेकर कयासों का दौर जारी है। इसी बीच राज्य में सत्तारूढ़ तेलंगाना राष्ट्रीय समिति के प्रवक्ता की गलती चर्चा का विषय बन गई है। एक टीवी डिबेट के दौरान शहरों के नाम बदलकर प्रयागराज करने को लेकर बात बिगड़ गई है। हालात कुछ ऐसे हुए हैं कि एंकर ने प्रवक्ता को तथ्य सुधारने की सलाह दे दी। सस्ती सेवा मुहैया कराने वाले विमानन कंपनी स्पाइसजेट के उड़ानों में आ रही खराबी की घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही है। पिछले 18 दिनों में स्पाइसजेट की उड़ानों में 8 में से कुछ न कुछ खराबी देखने को मिली है, जिसकी वजह से कई फ्लाइटों को बीच सफर में वापस लौटना पड़ा है या फिर किसी एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी है। उड़ानों में आ रही खराबी को देखते हुए और यात्रियों की सुरक्षा पर चिंता जताते हुए नागरिक उड्डयन महानिदेशालय स्पाइसजेट ने कारण बताओ नोटिस जारी कर फटकार लगाई है। फिल्म काली के पोस्टर को लेकर छिड़े विवाद के बीच टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा के बयान पर भाजपा हमलावर हो गई है। एक तरफ टीएमसी ने महुआ मोइत्रा के बयान से पल्ला झाड़ लिया है तो वहीं भाजपा लाल है और उसने सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन का भी ऐलान कर दिया है। वहीं भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष श्रीकांत मजूमदार ने मांग की है कि महुआ मोइत्रा को इस मामले में तत्काल गिरफ्तार किया जाए। हिंदू पार्टी की छवि वाली भारतीय जनता पार्टी अब मेक ओवर की तैयारी में है। खबर है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केरल में ईसाई और मुस्लिम समुदाय तक पहुंच बढ़ाने का प्लान तैयार किया है। तेलंगाना में हाल ही में भाजपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई थी, जिसमें पीएम मोदी, केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह समेत कई बड़े नेताओं ने शिरकत की थी। देश के कई हिस्सों में भारी बारिश का दौर जारी है। इसी कड़ी में कर्नाटक के मंगलुरु में भी भारी बारिश के चलते बाढ़ के हालात बन गए हैं। लोगों के घरों में पानी घुस गया है तो वहीं लोगों की गाड़ियां बीच रास्ते में फंस गई है। इस बीच मंगलुरु में ही एक इंजीनियरिंग कॉलेज के कंपाउंड की दीवार गिर गई, देखते ही देखते वहां कमलबा रोड पर आ गया और लोग फंस गए हैं। केंद्र सरकार की नई अग्निपथ योजना के तहत मंगलवार को भारतीय वायुसेना में रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया पूरी हो गई। विवादों से इतर आवेदकों ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। कुल 7.5 लाख युवाओं ने इस योजना के तहत एयरफोर्स में शामिल होने के लिए आवेदन किया है। आपको बता दें कि केंद्र सरकार द्वारा अग्निपथ योजना शुरू किए जाने के 10 दिन बाद यानी 24 जून को रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू की गई थी। असम की हिमंत बिस्व सरमा सरकार ने एक बड़ा निर्णय लेते हुए राज्य के 5 असमिया भाषी मुस्लिम समुदाय को स्वदेशी का दर्जा देने का फैसला किया है। इस कदम के बाद इन समुदायों की पहचान बंगाली भाषा मुसलमानों से अलग होगी। असम की कैबिनेट ने जिन 5 समुदाय को स्वदेशी का दर्जा देने का फैसला किया है उसमें वे गोरिया, मोरिया, देसी, जुला और सैयद शामिल है। महाराष्ट्र की सत्ता हासिल कर चुके मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, गुट की नजरें अब शिवसेना पर है। खबर है कि गुट ने पार्टी के पदाधिकारियों से संपर्क साधना शुरू कर दिया है। मुंबई और ठाणे में निकाय चुनाव होने हैं, ऐसे में संभावनाएं जताई जा रही है कि अगले कुछ महीने में शिवसेना संगठन में फूट पड़ सकती है। इधर उद्धव ठाकरे ने भी पार्टी पर अपना पकड़ मजबूत करने की कवायद शुरू कर दी है। देश में पायलटों की भारी कमी है और इसमें परिचालन प्रभावित हो रहा है। देश के विमान कंपनियों की क्षमता साल 2030 तक सालाना करीब 100 करोड़ यात्रियों की हो जाएगी। हालांकि इसके रास्ते में पायलटों की कमी एक बड़ी चुनौती बन रही है। अगले 5 सालों में भारत को हर साल 1000 से 1200 नए पायलट की आवश्यकता होगी, जो हर साल बाजार में प्रवेश करने वाले लगभग 600 से 700 पायलटों की वर्तमान दर के मुकाबले दोगुना है। नौसेना में 20% तक महिला अग्निवीरों की भर्ती की जाएगी। नौसेना के एक शीर्ष अधिकारी ने यह जानकारी दी। उन्होंने कहा है कि भर्ती मेरिट के आधार पर होगी। नौसेना ने 3000 अग्निवीरों की भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है, जिसमें महिला और पुरुष दोनों आवेदन कर सकते हैं। योजना के तहत चुनी गई महिला अग्निवीरों को नौसेना के विभिन्न शाखाओं में तैनात किया जाएगा। नोएडा पुलिस ने जी न्यूज के एंकर रोहित रंजन को मंगलवार रात को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने उन्हें कथित तौर पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी के बयान से जुड़ी एक भ्रामक खबर चलाने के आरोप में सुबह हिरासत में लिया है। सुबह से शाम तक की गई पूछताछ के आधार पर रोहित को गिरफ्तार कर लिया गया। तमिलनाडु में भाजपा के सदन के नेता नैनार नागेंद्रन ने मंगलवार को एक विवादास्पद बयान देते हुए कहा कि अगर जरूरत पड़ी तो राज्य का विभाजन किया जाएगा। उनका यह बयान डीएमके सांसद ए राजा के एक विवादित बयान के बाद आया है। दरअसल सत्ताधारी द्रविड़ मुनेत्र कड़गम के नेता ए राजा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह से तमिलनाडु को स्वायत्तता प्रदान करने का आग्रह करते हुए कहा है कि उन्हें एक स्वतंत्र देश की मांग करने के लिए बाध्य नहीं किया जाए। कर्नाटक के कुछ जिलों में एक के बाद एक भूकंप के झटके रहस्य का विषय बन गए हैं। यही वजह है कि इन जिलों में जांच के लिए एक विशेषज्ञ टीम भेजी जा रही है। दरअसल कर्नाटक के दक्षिण कन्नड़ जिले में सुलिया तालुक के कुछ हिस्सों में शनिवार को भूकंप के हल्के झटके महसूस किए गए। कर्नाटक राज्य प्राकृतिक आपदा निगरानी केंद्र ने एक बयान में बताया है कि दक्षिण कन्नड़ और किडागु जिलों की सीमा से लगे क्षेत्रों में भूकंप आया है, जिसकी तीव्रता रिक्टर पैमाने पर 1.8 मापी गई।
स्पाइसजेट के एक विमान को हवा में विंडशील्ड में दरार आने के बाद मुंबई में उतारा गया है। एयरलाइन ने कहा है कि गुजरात के कंडाला से उड़ान भरने पर स्पाइसजेट के एक विमान ने मुंबई में प्राथमिकता के तौर पर लैंड किया गया है, क्योंकि इसके बाहरी विंडशील्ड के बीच हवा में दरार आ गई थी। स्पाइसजेट के विमान के साथ दिन में यह दूसरी घटना है। अधिकारियों ने कहा है कि स्पाइसजेट की कांडला मुंबई फ्लाइट 23,000 फीट की ऊंचाई पर थी, जब विंडशील्ड का बाहरी हिस्सा टूट गया। बारिश ने अमरनाथ यात्रियों के लिए मुश्किलें खड़ी कर दी है। मंगलवार को हुई तेज बारिश के बाद यात्री जहां थे वहीं फंस गए हैं। यात्रा भी रोक दी गई। यात्रा में शामिल मंडीदीप के फूल सिंह परमार ने बताया है कि एक यात्री की हार्ट अटैक से भवन के पास ही मौत हो गई। वहीं एक अन्य यात्री घोड़े से नीचे गिर गया, जिसे सुरक्षा जवानों ने बड़ी जद्दोजहद के बाद बचाया। अमरनाथ यात्रा की खड़ी चढ़ाई में घोड़े भी गिर गए रहे हैं। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को इलाज के लिए आज शाम एयर एम्बुलेंस से दिल्ली एम्स ले जाया गया, जहां पर वो पिछले 3 दिनों से पटना के पारस हॉस्पिटल में आईसीयू में भर्ती थे। हॉस्पिटल के मेडिकल सुप्रिंटेंडेंट डॉक्टर आशिफ रहमान ने बताया कि उनकी हालत स्थिर है। डॉक्टरों की टीम आज ये भी देखेगी कि दिल्ली ले जाने में किसी तरह की उन्हें कठिनाई तो नहीं हुई। पूरे देश में मॉनसून आ गया है। ज्यादातर हिस्सों में बारिश जारी है। अगले 4 दिन भी भारी बारिश को लेकर अनुमान है। इसके चलते पहाड़ों से लेकर तटीय इलाकों तक मुसीबत का अंबार लग गया है। कुल्लू में बादल फटने से नाला उफान पर आ गया है। कई लोगों के बहने की आशंका है। मुंबई दिल्ली बारिश से बदहाल हो गए हैं और इन बड़े शहरों की रफ्तार धीमी पड़ गई है। भारतीय वायुसेना में अग्निवीर वायु भर्ती के लिए रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया समाप्त हो चुकी है। बता दें कि इस भर्ती के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 24 जून से 5 जुलाई तक हुआ है और इसके लिए एयरफोर्स की आधिकारिक वेबसाइट पर नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। वहीं अब वायुसेना ने ट्वीट कर जानकारी दी है कि इस भर्ती के लिए रिकॉर्ड 7,49,899 उम्मीदवारों ने रजिस्ट्रेशन किया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आगामी 9 जुलाई को जयपुर में होने वाली उत्तरी क्षेत्रीय परिषद की बैठक की अध्यक्षता करेंगे, जिसमें सुरक्षा, सड़क परिवहन, उद्योग, पानी, बिजली और आम हितों के अन्य मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। उत्तरी क्षेत्रीय परिषद में हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली और केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ शामिल है। फिल्म अभिनेता सलमान खान के वकील और उनके परिवार को धमकी दी गई है। वकील हस्तिमल सारस्वत को धमकी भरा पत्र 2 दिन पहले उनके चेंबर के दरवाजे पर मिला है, जिसके बाद अधिवक्ता सारस्वत और उनके परिवार को पुलिस ने सुरक्षा दे दी है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने क्रिप्टोकरेंसी की लेनदेन पर मंगलवार को स्पष्टीकरण जारी किया है। आयकर विभाग ने मंगलवार को कहा कि डिजिटल परिसंपत्ति या क्रिप्टोकरेंसी के आदान प्रदान में खरीदार एवं विक्रेता दोनों को ही अपने स्तर पर TDS काटना होगा। CBDT ने कहा है कि आयकर अधिनियम की धारा 194S के मुताबिक खरीदार को VDA के लेनदेन में कर कटौती करनी होगी। राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने हैदराबाद में छापेमारी कर एक व्यक्ति को हिरासत में लिया है। बताया जा रहा है कि यह व्यक्ति उदयपुर हत्याकांड के आरोपी के संपर्क में था। बिहार के रहने वाले इस व्यक्ति को NIA अधिकारियों की एक टीम ने हैदराबाद के संतोष नगर इलाके के एक होटल से हिरासत में लिया। उसे पूछताछ के लिए माधवपुर स्थित NIA कार्यालय ले जाया गया है। कड़ी सुरक्षा के बीच 5,982 तीर्थयात्रियों का 8वां जत्था भगवती नगर आधार शिविर से दक्षिण कश्मीर में स्थित पवित्र अमरनाथ गुफा के दर्शन के लिए बुधवार को रवाना हो गया। अधिकारियों ने जानकारी दी। उन्होंने बताया कि अधिकारियों ने खराब मौसम के कारण यात्रा को स्थगित करने का अपने फैसले की समीक्षा की। इसके बाद कुल 5,982 तीर्थयात्री 2 अलग-अलग काफिलों में रवाना हुए। ये श्रद्धालु निर्धारित समय से लगभग 6 घंटे देर से रवाना हुए। भारत में COVID-19 के 16,159 नए मामले आने से संक्रमण के कुल मामलों की संख्या बढ़कर 4,35,47,809 हो गई है, जबकि उपचाराधीन मरीजों की संख्या बढ़कर 1,15,212 पर पहुंच गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के बुधवार को सुबह 8 बजे तक अद्यतन आंकड़ों के अनुसार 28 और मरीजों के जान गंवाने से मृतकों की संख्या बढ़कर 5,25,270 हो गई है। उपचाराधीन मरीजों की संख्या संक्रमण के कुल मामलों का 0.26% है, जबकि COVID-19 से स्वस्थ होने की राष्ट्रीय दर 98.53% दर्ज की गई है। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटारेस ने भारतीय सेना के लेफ्टिनेंट जनरल मोहन सुब्रमण्यम को दक्षिण सूडान में संयुक्त राष्ट्र मिशन का अपना एक नया फोर्स कमांडर नियुक्त किया है। वो भारतीय सेना से ही नाता रखने वाले लेफ्टिनेंट जनरल शैलेश तिनाइकर की जगह लेंगे। राजधानी दिल्ली में रोजगार, व्यापार और अर्थव्यवस्था को लेकर बड़ी खुशखबरी आई है। अगले साल 2023 में दिल्ली में 28 जनवरी से 26 फरवरी तक दिल्ली शॉपिंग फेस्टिवल मनाया जाएगा। इस विश्व स्तरीय फेस्टिवल की मेजबानी दिल्ली करेगी, इस बात की जानकारी दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल ने दी है। 7 साल बाद चुनकर आने वाले पंचायतों के नवनिर्वाचित प्रतिनिधियों के लिए पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग भरपूर राजस्व की व्यवस्थाओं को जुटा रहा है। इसके लिए गांव में भी अब सरकार प्रॉपर्टी टैक्स वसूलेगी। इसमें 6,000 रुपए से अधिक कीमत की संपत्ति कर वसूला जाएगा। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर ने भारत सरकार से कुछ आदेशों को वापस लेने की मांग की है। सरकार ने कंटेंट को लेकर कुछ आदेश दिए थे। ट्विटर की तरफ से कहा गया है कि इन आदेशों का पालन करना मुश्किल होगा। इसको लेकर टकराव बढ़ने की आशंका है। खबरों के मुताबिक ट्विटर ने इन आदेशों को कानूनी रूप से चुनौती दी है।
पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सोमवार को आरोप लगाया है कि नुपुर शर्मा विवाद भाजपा के समाज को बांटने की नीति को बढ़ावा देने की साजिश है। उन्होंने कहा है कि भाजपा के निलंबित प्रवक्ता को गिरफ्तार किया जाना चाहिए और किसी को आगे नहीं खेलने देना चाहिए। कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप में से बहुत सारे यूजर ने हमें कमेंट करके दिया था, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर ने हमारे सवालों का सही जवाब दिया है उनके नाम है राजकुमार, नुनु कुमार, आर कुमार, अशोक मिश्रा, जयराम कुमार, नजमा खातून, नीतीश कुमार। आप इसी तरह हमारे सवालों का जवाब देते रहे, हम हर दिन वीडियो के अंत में आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, आपके अनुसार किस राज्य की राजनीतिक व्यवस्था सबसे ज्यादा दुरुस्त है? अपने जवाब में कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। देश प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।